गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे। और जो काम मैंने कल आपको दिया था वो आपने घर पे किया होगा। कल हमने हमारी हिंदी की बुक का फर्स्ट लेसन रिवाइज किया था और उसी के अकॉर्डिंग ये आपका बुक वर्क है। अब हम ये बुक वर्क करेंगे जो इस पेज पे दिया गया है, ये उसी लेसन के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पर लिखा है देखिए आपने क्या सीखा। नंबर 1 पे दिया गया है दिए गए शब्दों को चित्रों से मिलाओ। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं जैसे बस बस, घर घर, टम 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 टम, अच अच, कन कन अच कन। और ये शब्द हैं और शब्दों के साथ यहाँ पे ये पिक्चरें दी गई हैं, चित्र दिए गए हैं जैसे अचकन, घर, टमटम, बस। अब हम इनको मिलान करेंगे। बस बस, जैसे कि ये किया गया है मिलान बस का बस के साथ। और आगे घर घर, तो यहाँ पे ये घर बना हुआ है, इसका मिलान करेंगे घर के साथ। आगे टम 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 टम, तो यहाँ पे ये टमटम का चित्र बना हुआ है, हम इसके साथ टमटम के चित्र को मैच करेंगे। आगे अचकन अच अच, कन कन अचकन, और ये अचकन का चित्र बना हुआ है, ये हम यहाँ पे अचकन के साथ मैच करेंगे। आगे नंबर 2 पे है चित्र का नाम पूरा करो। अब हमने चित्र का नाम पूरा करना है, तो यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है मटर, और ये है कलम, और ये है बत्तख। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मटर मटर, आप मुंह अपने मुंह में बोलकर देखना है आपने, मटर 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 मटर। तो सबसे पहले क्या साउंड आ रही है म की, तो हम आगे म लिख देंगे। और इसके बाद ट बना हुआ है, र पीछे साउंड आ रही है र की, तो र बना दिया, यहाँ पे क्या बन गया मटर मटर। आगे ब त ख बत्तख, ब त ख बत्तख बत्तख। आगे ये कलम का चित्र है, क ल म कलम। तो इसके बाद यहाँ पे बोल बोलकर पढ़ो और लिखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पर 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 पर, तो यहाँ पे हम पर लिखेंगे प र पर। आगे मत मत म त मत। आगे है ई ध र इधर, ई बनाएंगे पहले हम, फिर ध बनाएंगे, फिर र बनाएंगे, तो क्या बन गया इधर। आगे अ क अड़ अकड़, अ क अड़ अकड़। तो ये आपका इस पेज का बुक वर्क है। आगे अगले पेज पर भी थोड़ा सा बुक वर्क दिया गया है, जैसे शब्द बनाओ। यस, यहाँ पे है नर नर, तो यहाँ पे म लिखा गया है, यहाँ पे गर यहाँ पे म लिखा गया है, कल म टम टम शल गम। तो यहाँ पे इन शब्दों के साथ हमने म को साथ में लगाकर एक नया शब्द बनाना है, जैसे नरम नरम, यहाँ पे बना हुआ है एक शब्द नरम नरम। तो साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुई दी गई है, तो रुई क्या होती है नरम होती है, पिक्चर भी दी गई है साथ में उसी शब्द की। आगे गर घर, उसके साथ म लगा दिया तो क्या बन जाएगा गरम, जैसे ग र
गरम, इसके साथ देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है गरम चीज की, यहाँ पे चाय दी गई है गरम। आगे देखो कलम, 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 ये देखो आगे कलम की पिक्चर भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे टम 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 टम, तो ये देखो यहाँ पे टम टम की पिक्चर बनी हुई है। आगे श ल ग म, ये वाला म पीछे लगा दिया, शलगम, यहाँ पे शलगम की पिक्चर भी दी गई है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला बुक वर्क पूरा समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है इसकी आपने घर पे अपने मम्मा पापा की हेल्प के साथ। और मेरे पास इसके जैसे और वर्कशीट्स भी पड़ी हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखो ये कुछ वर्कशीट है, एक्टिविटी शीट है, यहाँ पे देखो ये शब्द वर्ण दिए गए हैं, यहाँ पे इन वर्णों में से आपने शब्द बनाने हैं और फिर आपने राइट करने हैं। तो मैं आपको ये वाली पिक इसके साथ लगा दूंगी, और यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे ये स्पेस बनी हुई है शब्द लिखने के लिए, आप अपनी नोटबुक पे ऐसे ही शब्द लिखना। और यहाँ पे भी देखो एक शीट ये वाली होगी आपकी एक्टिविटी की, यहाँ पे ये जंबल वर्ड दिए गए हैं, वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए। ये वर्ण दिए यहाँ पे उल्टे फुलटे दिए गए हैं जंबल में, तो इनको आपने सही करके यहाँ पे आपने शब्द बनाना है, एक सही शब्द बनाने हैं यहाँ पे। ये पूरी मैं आपको ये दोनों पेज, ये वाला पेज और ये वाला पेज साथ में लूंगी, और आपने ये वाला वर्क आपने अपनी प्रीवियस नोटबुक पे करना है, और आपकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल सुंदर साफ होनी चाहिए। सभी बच्चों ने अच्छे से काम करना है पूरा, ओके। और आपने जब आप राइट करोगे तब आपने पहले लर्न करना है, लर्न करने के बाद फिर आपने राइट करना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।